गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब तक आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब था चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ चुके हो, पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब था चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। और जब चार्ज रेस्ट पे होता है क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। पोटेंशियल, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सारा पढ़ लिया बेटा। अब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स सेकेंड यूनिट आपका स्टार्ट होने जा रहा है, प्लस टू का सेकेंड यूनिट है जी आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब चार्ज इज इन मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब था? चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक का मतलब चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स सेकेंड यूनिट। और जिसे हम सिंपली कह देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड यूनिट आपका स्टार्ट होने लगा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या कहते हैं इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें क्या पढ़ाया जाएगा? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब तक आपने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, अब पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। बेटा पोटेंशियल चैप्टर क्यों पढ़ाया गया? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ये आपको समझ में आए बातें। बेटा जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं इस कंडक्टर च बेटा इलेक्ट्रॉन सारे रैंडम मोशन च होंदे आ। अगर एक कंडक्टर है ना, जेडे इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर दे अंदर जिहड़े इलेक्ट्रॉन आ सारे रैंडम मोशन च हुंदे आ, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन जा रहा, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन जा रहा, कोई इधर नू जा रहा बेटा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर आ रहा, ये सारे रैंडम मोशन च आ बेटा। सारे इलेक्ट्रॉन्स ये रैंडम मोशन च हुंदे आ। और कोई पुछे स्पीड किन्नी हुंदी है इलेक्ट्रॉन्स की? अगर सारे रैंडम मोशन च इधर उधर दौड़दे पे ने तां स्पीड किन्नी हुंदी आ बेटा? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाएगा ऑब्जेक्टिव में। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन। बेटा याद रखो किस मोशन में? जब वो रैंडम मोशन में है, ठीक है। कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, सबकी रैंडम मोशन में स्पीड इन 10^5 meter per second। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम मोशन बेटा याद रखनी पड़ेगी 10^5 meter per second। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कब? जब इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, ठीक है। ये भी लिख सकता हूं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली विद द स्पीड ऑफ 10^5 meter per second। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछेंगे ये, रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी होती है? 10^5 meter per second। अब बात करें जब इस
कंडक्टर के अक्रॉस, जब इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होगी, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होगी बेटा, जब हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, एक सेल कनेक्ट कर दें या एक बैटरी कनेक्ट कर दें, एक सेल कनेक्ट कर दें या एक बैटरी कनेक्ट कर दें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, इस कंडक्टर का ये वाला एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो गया, ये वाला एंड नेगेटिव, या ये कहूं सिंपल से सिंपल ये कहूं ये एंड हायर पोटेंशियल पे है, ये एंड लोअर पोटेंशियल पे है, ये आपको क्लास में बताया था, जरूरी नहीं नेगेटिव एंड का मतलब लो पोटेंशियल ही हो, जीरो अगर इस साइड हो इस साइड नेगेटिव हो तो बेटा हाई पोटेंशियल किसे कहेंगे, जीरो को हाई पोटेंशियल कहेंगे, नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया इस बैटरी ने इस कंडक्टर के अक्रॉस, मान लो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है L, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है L, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया V, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ V, तो क्या मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन एल, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी V अपॉन एल, एल क्या चीज है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई इस कंडक्टर के अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जिसकी वैल्यू है माइनस वी अपॉन एल, जिसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे पहले सारे रैंडम मोशन में थे बेटा, पहले सारे ही रैंडम मोशन में थे बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में थे ना, कोई इधर जा रहा था कोई इधर जा रहा था, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप होने की वजह से, याद करो हम क्लास में कितनी बार पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में थे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में थे अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन होने शुरू होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था अब वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे, ठीक है, अब वो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डेविएट होंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस साइड जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब इधर जाएगा, पाथ कर्व्ड हो गया, अच्छा लेकिन जो पार्टी जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था वो इसी डायरेक्शन में और आगे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन की तरफ डेविएट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन सभी इलेक्ट्रॉन को एक साइड डेविएट कर दिया, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है जी, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो दौड़ रहे थे, रैंडम स्पीड कितनी 10^5 मीटर पर सेकेंड, रैंडम स्पीड 10^5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं ध्यान से सुनो, ड्रिफ्ट हुए, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण जो करंट मिला, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण जो करंट मिला वो करंट मिला फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल डायरेक्शन है ये करंट की, ठीक है जी, सो करंट ऐसे कंस्टिट्यूट हुआ, जब हम कहते हैं ना कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, तब फ्लो करेगा जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को डेविएट करेगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका, ठीक है। सो बेटा इस तरह से करंट कंस्टिट्यूट हुआ, कंडक्टर के अंदर इस तरह से करंट कंस्टिट्यूट हुआ। जब इस एक क्रॉस सेक्शन से, इस एक क्रॉस सेक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन इस दूसरे क्रॉस सेक्शन तक पहुंचेंगे, इस क्रॉस सेक्शन से इस दूसरे क्रॉस सेक्शन तक कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, तब करंट कंस्टिट्यूट होगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन करंट की जो आपने याद रखनी है, डेफिनेशन करंट की, बेटा करंट की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कौन सा रेट, टाइम रेट बेटा, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेटा करंट की डेफिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये आपकी करंट की डेफिनेशन हुई, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हुई। द टाइम रेट ऑफ फ्लो, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू द क्रॉस सेक्शन, थ्रू द क्रॉस सेक्शन बेटा, फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अनदर क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अनदर क्रॉस सेक्शन, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसे कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सो बेटा अगर मैं कहूं इफ क्यू चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, इफ क्यू चार्ज फ्लोस इन टाइम टी, इफ क्यू चार्ज फ्लोस इन टाइम टी फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अनदर क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अनदर, तो मैं करंट कितना लिखूं, कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में फ्लो हुआ, टी टाइम में। तो बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना आया, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आया क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। बेटा इसे कहते हैं एवरेज करंट, एवरेज करंट, एवरेज करंट, ठीक है, दिस करंट इज नोन एज एवरेज करंट। और बेटा इस करंट के यूनिट क्या होंगे, चार्ज के यूनिट हमने पढ़े हैं कूलम, इस चार्ज के यूनिट बेटा कूलम, टाइम के यूनिट बेटा हमने पढ़े हैं सेकंड एसए सिस्टम में। सो वन एम्पियर करंट के एसए यूनिट एम्पियर, याद करो करंट के एसए यूनिट एम्पियर, वन एम्पियर इज इक्वल टू इफ अ चार्ज ऑफ वन कूलम फ्लोस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम वन सेकेंड। करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर, करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर इफ वन कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम वन सेकेंड। करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर, करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर इफ चार्ज ऑफ वन कूलम्ब, चार्ज ऑफ वन कूलम्ब फ्लोस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड, ठीक है बेटा, तब कहेंगे करंट कितना फ्लो हुआ, वन एम्पियर। बेटा पूरा एम्पियर लिखना हो तो एक स्मॉल डालोगे, और अकेला सिंबल डालना है तो ए कैपिटल, ठीक है जी। करंट इज सेट टू बी वन एम्पियर इफ अ चार्ज ऑफ वन कूलम फ्लोस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन वन सेकेंड। अच्छा इंस्टेंटेनियस करंट कितना लिखे, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट होगा आई इंस्टेंटेनियस बेटा डी क्यू बाय डी टी, याद है ना,
इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, क्या करते थे? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा यहां भी क्या करेंगे, चार्ज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं कहूं कि Q की वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा छोटा सा, इफ Q इज इक्वल टू 3t² - 4, इफ Q इज इक्वल टू 3t² - 4, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड बेटा, I instantaneous किसके इक्वल? बेटा डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू t, बेटा 3t² का डेरिवेटिव, 3t² का डेरिवेटिव 60, माइनस 4 का डेरिवेटिव, बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट आया 6t एम्पियर। इंस्टेंटेनियस करंट किसे पर्टिकुलर टाइम पर, करंट की वैल्यू है 6t एम्पियर। हमें कितने टाइम पर चाहिए? 1 सेकंड पर। तो बेटा T को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, इंस्टेंटेनियस करंट आया I इंस्टेंटेनियस 6 एम्पियर 1 सेकंड पर करंट की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अच्छा अगर इफ एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज through a cross section, if n electrons flows through a cross section in a time t, ये सारे फॉर्मूले बेटा आपके एमसीक्यू में यूज होंगे। if n electrons flows through a cross section in time t, तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं चार्ज कितना फ्लो हुआ। अगर n electrons flows हुए, if n electrons flows हुए, बेटा चार्ज कितना लिखूं? n into e। चार्ज कितना फ्लो हुआ बेटा? n इंटू ई। कितने टाइम में बेटा? t टाइम में। तो मेरा करंट कितना आ गया बेटा? n e डिवाइडेड बाय t, n इंटू ई डिवाइडेड बाय t। तो बेटा एवरेज करंट हमारा कितना आया? एवरेज करंट आया हमारा डेल्टा q बाय डेल्टा t, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ? डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, इंस्टेंटेनियस करंट कितना आया हमारा? डी क्यू बाय डी टी। और अगर एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हो तो करंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एन ई बाय टी। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपको फॉर्मूला समझ आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा ना। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जे इलेक्ट्रॉन बेटा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा वा, तो करंट होएगा क्लॉकवाइज। इस इलेक्ट्रॉन दे मूव करन करके जेड़ा करंट मिलेगा वो होएगा क्लॉकवाइज। वो करंट कितना लिखना बेटा? क्वेश्चन आंदा हुंदा बेटा, करंट असी पढ़िया चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, कितना चार्ज फ्लो हो रहा बेटा? ई। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन नु जिन्ना टाइम लगदा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन नु जिन्ना टाइम लगदा उन्नू कहिंदा असी कैपिटल टी टाइम पीरियड। टी की चीज है बेटा? टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। और बेटा फ्रीक्वेंसी किदे इक्वल हुंदी है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एफ की चीज है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो करंट दा फॉर्मूले दो बन गए इस क्वेश्चन दे लिए, दो फॉर्मूले करंट दे बन गए बेटा। एक था E डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, टी इज टाइम पीरियड, ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तुहानू चार्ज इलेक्ट्रॉन ते पता वा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है,
दूसरा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड की हुंदा बेटा फ्रीक्वेंसी, सो आई दा फॉर्मूला बेटा ई इनटू न्यू या और ई एफ, एफ की चीज है फ्रीक्वेंसी, न्यू की चीज है फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अच्छा तो बेटा करंट, हम करंट की ऐसे पढ़ाया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, बेटा इना मतलब करंट की डायरेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पूरे ध्यान ना सुनियो, करंट हैज मैग्नीट्यूड, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, करंट का मैग्नीट्यूड भी होंगे बेटा एज वेल एज डायरेक्शन, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हुण बेटा मैग्नीट्यूड आ ते डायरेक्शन आ ये देख के नू वैक्टर ना समझ लियो, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वैक्टर, बट इट इज नॉट अ वैक्टर, बट यह वैक्टर नहीं आ, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट करंट इज नॉट अ वैक्टर, करंट इज नॉट अ वैक्टर, वाई बिकॉज इट डज नॉट ऑबे, बिकॉज इट डज नॉट ऑबे वैक्टर एलजेब्रा, करंट की जो एडिशन करनी है वैक्टर एलजेब्रा के अकॉर्डिंग एड नहीं करना, करंट को मैग्नीट्यूड है मैं झूठ नहीं कहना, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है पर यह वैक्टर नहीं आ, बट इट इज नॉट अ वैक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्लस वन प्लस टू सारे बच्चों लिए स्केलर क्वांटिटी है, यह मान के चलो, इट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट इज नॉट अ वैक्टर बिकॉज इट डज नॉट ऑबे वैक्टर एलजेब्रा, इट डज नॉट ऑबे वैक्टर एलजेब्रा, बेटा वैक्टर एलजेब्रा जिहड़ी क्वांटिटी फॉलो करे मैग्नीट्यूड भी होवे डायरेक्शन भी होवे ते वैक्टर एलजेब्रा ऑबे करते होवे उन्हूं कही दा वैक्टर, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज द वैक्टर, बट करंट वैक्टर एलजेब्रा ऑबे नहीं करता, मैं देखो मान लो करंट इधरों आ रहा 3 एम्पीयर, करंट इधरों आ रहा 4 एम्पीयर, इधरों आ रहा 3 एम्पीयर, इधरों आ रहा 4 एम्पीयर, अगे कितना करंट जाएगा, जे इन्हां दोनों च एंगल 90 डिग्री है ना, जिन्हां दोनों च 90 डिग्री एंगल आ, वैक्टर एलजेब्रा कहिंदा अगे करंट कितना जाएगा, हाँ जी इत 3 एम्पीयर इत 4 एम्पीयर अगे कितना करंट जाएगा, सोचो बेटा वैक्टर एलजेब्रा दे अकॉर्डिंग एड नहीं करना, 3 एम्पीयर इधरों आ रहा 4 एम्पीयर इधरों आ रहा अगे करंट जाएगा 7 एम्पीयर, ठीक है जी, एंगल मैटर नहीं करता, सिंपल स्केलर एलजेब्रा किया इधरों 3 एम्पीयर आया इधरों 4 एम्पीयर आया अगे 7 एम्पीयर जाऊगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ, सो बेटा याद रखना करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एडिशन करी दी है इस स्केलर क्वांटिटी, भुलने नहीं चाहिए गल बेटा कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, आगे चलिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि करंट किस डायरेक्शन जाऊगा, है ना, समझाया बेटा करंट की डायरेक्शन किधर नु होगी, जिस डायरेक्शन च इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बिल्कुल उदे ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन च इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बिल्कुल उस तो ऑपोजिट, किसी कंडक्टर च अगर बैटरी अप्लाई कर दी जाए पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट कर दिता जाए इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे बेटा, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल दिस इज नैगेटिव पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन जिहड़े आ नैगेटिव तो पॉजिटिव पोटेंशियल वल नूं जाएंगे, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स किधर नूं ड्रिफ्ट होणगे किधर नूं डेविएट होणगे पॉजिटिव पोटेंशियल वल नूं, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन च
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जाते होंगे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये इस डायरेक्शन से ड्रिफ्ट हो रहे हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। करंट किस डायरेक्शन में मिलेगा बेटा? करंट मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर दे विच करंट की डायरेक्शन कोई पूछ लवे, कंडक्टर दे विच करंट की डायरेक्शन कोई पूछ लवे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखो करंट किस डायरेक्शन च होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या कमा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन होती है बेटा पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन जाता है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट एक्चुअल च अंदर हुण तुहानूं क्लैरिटी होनी चाहिए है कि अंदर एक्चुअल दे विच कौन फ्लो कर रहे ने? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे ने, और जिस डायरेक्शन च इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं करंट हमेशा उस तो ऑपोजिट डायरेक्शन च होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट वाली लाइन जी सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉरी बेटा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जिस डायरेक्शन च इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट हमेशा उसको ऑपोजिट डायरेक्शन च होगा, ठीक है। सो कन्वेंशनल डायरेक्शन की सी, कन्वेंशनल डायरेक्शन सी कन्वेंशनली इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनली इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट एक्चुअल च कौन फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स, बट एक्चुअल च इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। की गल मेरी बेटा समझ आई कि करंट की डायरेक्शन किधर होंगी? सर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तुम्हें बेटा क्लियर है कि करंट की डायरेक्शन की कहनी है? सिंपल सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस लाइन को बेटा दिमाग में बिठा लो कि करंट की डायरेक्शन हम साडे लिए की होएगी, जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस तो ऑपोजिट डायरेक्शन कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं करंट उस तो ऑपोजिट डायरेक्शन च होएगा, ठीक है बेटा। सो यूनिट पढ़ ले, यूनिट करंट दे एम्पीयर, करंट दे यूनिट एम्पीयर, यूनिट ऑफ करंट एम्पीयर। एक एम्पीयर सिंबल जो पाना एक एम्पीयर। डायरेक्शन करंट दी देखी, करंट दे फॉर्मूले पढ़े आपा, ठीक है जी। फिर ये पढ़िया कि एवरेज स्पीड सॉरी बेटा रेंडम मोशन च जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, रेंडम मोशन च जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्होंने स्पीड कितनी, रेंडम मोशन च जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्होंने स्पीड कितनी 10^5 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा एक गल याद रहनी चाहिए आ, ये तुहाडे नोट्स दे विच भी लिखी हुई है लाइन, ठीक है। इन द एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली विद वेरी लार्ज स्पीड 10^5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। इस स्पीड दे नाल एक कोलाइड कर रहे होंगे विद ईच अदर एज वेल एज विद आयंस, आपस भी टकरा रहे ने, ठीक है जी, और आयंस नाल भी टकरा रहे ने। बट दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, अरे याद रखियो बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन हो रहा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन हो रहा, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन हो रहा या इलेक्ट्रॉन ते आयंस
ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਈ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ 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 ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਇਨ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ when electrons are in a random motion net transportation of charge zero hunda eh gal yaad rakhni hai beta when electrons are in random motion net transportation of charge zero bigger zero matlab ਜਦੋਂ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਇਨ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਨੈਟ ਬੇਟਾ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਗਏ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਨੈਟ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਗਏ ਆ ਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਪੰਜ ਇੱਧਰ ਗਏ ਪੰਜ ਇੱਧਰ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਏ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰੰਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਟਾ ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਸਏ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਐਂਪੀਅਰ ਐਸਏ ਯੂਨਿਟ ਐਂਪੀਅਰ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਬੇਟਾ ਈਐਮਯੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ ਈਐਮਯੂ ਆਫ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਰੰਟ और इन कही बायोट एम्पियर नीचे लिख देना बेटा बायोट एम्पियर छोटे छोड़ा बेटा बायोट एम्पियर और एब एम्पियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट और बायोट एम्पियर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट एंड इट इज नॉन एब बायोट एम्पियर और एब एम्पियर एब एम्पियर ये छोटा एब एम्पियर ठीक है बेटा एक एम्पियर च किन्ने बायोट एम्पियर होंगे या कमा किन्ने एब एम्पियर ने तुहानू पता होना चाहिए रिजल्ट ठीक है वन एम्पियर इज इक्वल टू वन बाय टेन रिजल्ट याद रहे बेटा वन एम्पियर इज इक्वल टू वन बाय टेन एब एम्पियर ये रिजल्ट बस याद रख लो कि एक एम्पियर च किन्ने एब एम्पियर वन बाय टेन एब एम्पियर एम्पियर इज एस आई यूनिट ऑफ करंट एब एम्पियर इज सीजीएस यूनिट ऑफ एम्पियर एब एम्पियर या कह दी था बेटा बायोट एम्पियर ठीक है
हुण जिहड़ा अगला आर्टिकल है ना बेटा, सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई, सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं इन्हू मानता वा, क्योंकि अगर इन्हू समझे तो सब कुछ समझ आना बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्टिंग से तुम्हें एक गल दस दिती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इलेक्ट्रॉन सारे रेंडम मोशन होंगे विद द स्पीड 10^5 m/s, 10^5 m/s। बेटा उन्होंने एवरेज वेलोसिटी कितनी कहेंगे, एवरेज स्पीड तो दस दी 10^5 m/s, एवरेज स्पीड दस दी 10^5 m/s, एवरेज वेलोसिटी कितनी कहेंगे, नेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज कितना होया, जीरो है ना, नेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज जीरो होया ना, क्यों होया समझो, क्योंकि बेटा एवरेज वेलोसिटी जीरो सी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है जी, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई ना, नेट डिस्प्लेसमेंट घूम फिर के उत्थे ही, अगर क्लास च टीचर ना हो, अगर क्लास च बेटा टीचर ना हो, कोई किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा, घूम फिर के उत्थे ही ने, कोई एक जगह तो दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट, नेट अगर पूछिए एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई किसी पार्टिकल दी, जीरो। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है जी, याद रखनी है गल, एवरेज वेलोसिटी जीरो मतलब जिन्ने भी पार्टिकल मूव कर रहे थे, मान लो यू वन, कोई पार्टिकल यू वन वेलोसिटी दे नाल मूव कर रहा सी, कोई यू टू वेलोसिटी नाल मूव कर रहा सी, कोई यू थ्री दे नाल मूव कर रहा सी, अप टू एन इलेक्ट्रॉन्स अगर अंदर ने तो यू एन, इन्हां सारयां दा जदों एवरेज कैलकुलेट किया गया इहदा आंसर आया बेटा जीरो, इहदा आंसर आया बेटा जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो आ, ये गल याद रहनी चाहिए आ, एवरेज स्पीड जीरो नहीं आ, एवरेज वेलोसिटी जीरो आ इन रेंडम मोशन। सो ये पॉइंट ना बार बार लिख रहे हैं क्योंकि बच्चे गलत करते आ, इन रेंडम मोशन, इन रेंडम मोशन एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो, 10^5 m/s, इन रेंडम मोशन एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो, 10^5 m/s, एवरेज वेलोसिटी जीरो, रेंडम मोशन च एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ, डिस्टेंस तो कवर कर रहे ने, डिस्टेंस तो कवर कर रहे ने, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे ने तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर ही जाएंगे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जो रेंडम मोशन च, रेंडम मोशन च, रेंडम मोशन का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की, रेंडम मोशन वर्ड यूज हो वे या कवे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। पर जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी कहानी ही बदल गई सारी, जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी बेटा कहानी ही बदल गई सारी, और उस कहानी नू बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई समझना, जदों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी डेफिनेशन नहीं हले मैं दित्ती, बच्चा उपर लिख दिंदा उही ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी डेफिनेशन, ठीक है जी, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उही डेफिनेशन नहीं आ, वो तो सिर्फ टॉपिक दा नाम आ, स्टार्ट हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्टार्ट हो गया टॉपिक, डेफिनेशन हले दूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी डेफिनेशन बेटा हले देनी आ,
ये गल हो रही है हले जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, ठीक है। सो नो करंट बिकॉज नेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज इज जीरो। हुण सुनो कहानी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जो असी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अप्लाई की, हुण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करन लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करन दा सिंपल जिहा तरीका, बैटरी अप्लाई करो एक, इस बैटरी ने कंडक्टर दे अक्रॉस की क्रिएट किया पोटेंशियल डिफरेंस, इस बैटरी ने कंडक्टर दे अक्रॉस की क्रिएट किया पोटेंशियल डिफरेंस। जे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करांगे तां ही चार्ज फ्लो करेगा ना, याद करो पोटेंशियल च बार बार असीं इह गल डिस्कस कीती सी, जे पोटेंशियल डिफरेंस ना होगा किसी दो पॉइंटां दे विच तां चार्ज ने फ्लो नहीं करना, चाहे वह पॉजिटिव है चाहे वह नैगेटिव आ। कोई भी चार्ज उदों फ्लो करेगा जदों किसी दो पॉइंटां दे विच किसी दो क्रॉस सैक्शन दे विच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करांगे, एक साइड हाई करांगे एक साइड लो करांगे, ठीक है। सो इस साइड बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, इस साइड नैगेटिव पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इदां याद रखना हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। और याद करो की क्या सी, इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट तो अगर दूसरे पॉइंट एक क्रॉस सैक्शन तो दूसरे पॉइंट वालों जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स किधर नू जा रहे होंगे बेटा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अंदर जिन्हें भी इलेक्ट्रॉन्स है ना सारे इस डायरेक्शन जा रहे होंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इन्हों के जाने प्रोसैस नाम दिता जाता वा ड्रिफ्टिंग। इन्हों जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई तो असं कही इलेक्ट्रॉन सारे ड्रिफ्ट होने शुरू हो गए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन सारे ड्रिफ्ट होने शुरू हो गए फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है जी। और जिस वेलोसिटी दे नाल ड्रिफ्ट होने शुरू हो गए उस वेलोसिटी नूं दित्ता नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैक्टर क्वानिटी इसी करके बेटा उपर एरो पा रहे हैं, ठीक है। जिस वेलोसिटी दे नाल इलेक्ट्रॉन्स नैगेटिव तो पॉजिटिव पोटेंशियल वाल नूं ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए उस वेलोसिटी नूं की नाम देईदा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। हुण एक्चुअल आर्टिकल शुरू होया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दोबारा सुनो, जदों इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दित्ती किसी कंडक्टर दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप होया, पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप होया, इस पोटेंशियल डिफरेंस ने की करना, इस पोटेंशियल डिफरेंस ने की करना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी इन साइड दी कंडक्टर, और मैं क्या सी इलेक्ट्रिक फील्ड के दे इक्वल माइनस वी बाय एल, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वी बाय एल। व्हाट इज एल, लेंथ ऑफ दी कंडक्टर, व्हाट इज वी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी जरा लिखा ना ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन्हों दोनों क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है माइनस वी बाय एल, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड करके इस इलेक्ट्रॉन ते लग रही है फोर्स, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड करके इस इलेक्ट्रॉन ते लग रही है फोर्स, किसी एक इलेक्ट्रॉन ते फोर्स कितनी लगेगी, किसी एक इलेक्ट्रॉन ते फोर्स कितनी लगेगी, क्यू इंटू ई। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िया, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई, इतने चार्ज कितना वा इलेक्ट्रॉन, कौन फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ना, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन से फोर्स कितनी लग रही है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। बेटा ये मैग्नीट्यूड की गल कर रहे हैं, वैक्टर फॉर्म च लिखूंगा तो लिखूंगा एफ वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ये नैगेटिव साइन की दसना चाहता सानू कि जिस डायरेक्शन च इलेक्ट्रिक फील्ड आ फोर्स बिल्कुल उस तो ऑपोजिट डायरेक्शन च लग रही है, फोर्स बिल्कुल उस तो ऑपोजिट डायरेक्शन च लग रही है। इस फोर्स लगन करके इलेक्ट्रॉन्स नैगेटिव तो पॉजिटिव पोटेंशियल वाल नू, नैगेटिव तो पॉजिटिव पोटेंशियल वाल नू ड्रिफ्ट हो रहे ने, और उसी वेलोसिटी नू नाम मिलिया जिस वेलोसिटी दे नाल ड्रिफ्ट हो रहे आ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी बेटा हुण डेफिनेशन देण लगा वा, ए डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी देनी है तुसीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है की आ, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as average velocity, beta absence of electric field kitni si zero, hun electric field lagan karke zero nahi honi, it is defined as average velocity
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी बेटा किना दी इलेक्ट्रॉन्स दी विद विच दे ड्रिफ्ट टुवर्ड दे ड्रिफ्ट बेटा ड्रिफ्ट हो रहे ने कि इस प्रोसेस नु की क्या सी ड्रिफ्ट होना दे ड्रिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कह सकता या पॉजिटिव टेंशन भी कह सकता मैं ठीक है दे ड्रिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कि बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगी होंगी इन्होंने ड्रिफ्ट होना सी नहीं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है जी ये है बेटा डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये डेफिनेशन ठीक है सो बेटा कल हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तुम्हें आर्टिकल पूरा ड्राइव करवाऊंगा डेफिनेशन याद रखियो करंट के फॉर्मूले बेसिक याद रखने अज के लेक्चर तो करंट के बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं करंट की डायरेक्शन याद रखनी है करंट के यूनिट याद रखने हैं एवरेज स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की याद रखनी है एवरेज वेलोसिटी याद रखनी है ठीक है चलिए बेटा नैक्सट लैक्चर च कल असी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरीवेशन करांगे ठीक है तो होर भी काफ़ी इंपोर्टेंट गल्लां नाल नाल करांगे और ये रिलेशन जिहड़ा कल ड्राइव करना बहुत इंपोर्टेंट आ बाय बेटा